में एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से। मे भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, क्लास के बीच में आप पूछना चाहें, किसी टॉपिक के बीच में पूछना चाहें तो यू कैन। बट अभी जो हम यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो सिंपली है कि उसके रूल्स, ठीक है। अब रूल्स पे अलग से आपके पास में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं रूल यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। और इससे पहले कल की क्लास में हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था सिंपली कि जब भी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो हमारे पास में डायनेमिक मेंबर्स जो है उनको भी प्रॉपरली मेमोरी अलोकेट होती है, ठीक है। और अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर के बिना ये काम करते हैं तो मैंने बताया था, ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे दो डायग्राम प्लेस किए हैं जरूर, लेकिन इनका मीनिंग मैंने आपको कल इन दो डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग ही यहाँ पर ये तीन पॉइंट्स थे, तो मैं इनको एक बार रिवाइज नहीं करवा के बस इतना सा बताना चाहूंगी कि जो हमने कल का कंसेप्ट डिस्कस किया था उन्हीं के रिगार्डिंग ये तीन पॉइंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। कि विदाउट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, शैलो कॉपी होती है, और अगर हमें डायरेक्टली बहुत अच्छे से कॉपी करना है, या मैं यूं कहूँ कि डीप कॉपी करना है, डीप कॉपी का सिंपल मीनिंग ये है कि जो हमने सिंपली क्या किए हैं, क्लास में डायनेमिक मेंबर्स भी क्रिएट किए हैं, उनके लिए भी अगर हम क्या चाहते हैं कि प्रॉपरली उनको मेमोरी अलोकेट हो, कि वो किसी नए ब्लॉक को सिंपली क्या करें, कॉल करें या नए ब्लॉक को पॉइंट करें, तो उस केस में आप क्या करें, कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद का डिफाइन करें। और अगर खुद का डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। और कब कॉल होता है ये हम कल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, क्यों कॉल होता है, कब कॉल होता है, ये हमने देखा था, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स कल की क्लास में रिमेनिंग थे और ये डायग्राम्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये नहीं, इन डायग्राम्स की बात नहीं कर रही मैं, मैंने आपको समझाया थे ये डायग्राम्स, तो ये सफिशिएंट है। देन लास्ट जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बचता है वो है उसके रूल्स। हमने पूरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग डिस्कस कर ली विदाउट फ्रेंड फंक्शन, और फ्रेंड फंक्शन के साथ भी ये कंसेप्ट डिस्कस किया, लेकिन रूल्स हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो एक बार इन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट रूल की, तो देखें ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में हम नया ऑपरेटर नहीं कर क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं उन पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स का यही यहाँ पर मेन मीनिंग रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, तो जो ऑपरेटर उसका जो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी है, अभी प्रेसिडेंस क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, ये आपने सी में लास्ट से बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में सी प्लस प्लस जब स्टार्ट की थी तो इनका एक एक एग्जाम्पल डिस्कस, मतलब इनके बारे में छोटा सा एक डिस्कशन मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली इनका क्या मतलब है, हालांकि यहाँ पर भी मैंने इनका डेफिनेशन जो है वो डिफाइन कर रखी है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इनका सिंपल मतलब समझाऊं, तो उसको देखने से पहले इस लाइन को एक बार समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी जो ऑपरेटर की है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। मतलब जो हम एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म की है, वहां पर सिंपल जो ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होना होता है वो उसकी पर्टिकुलर जो प्रेसिडेंस है वो चेंज या एसोसिएटिविटी जो है वो कभी चेंज नहीं होती है। इसके अलावा अगर बाइनरी फंक्शन आपके पास में ऑपरेटर है, तो बाइनरी का मतलब है कि उसके साथ में दो ऑपरेंड होने जरूरी हैं, तो वो भी सिंपल जो मीनिंग है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो उसको हम यूनरी की तरह ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और अगर हम यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं तो उसको हम बाइनरी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब यूनरी तो एक ही ऑपरेंड पे काम करता है, हमने क्या कर दिया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू उसको बाइनरी बना दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम ऑपरेटर के साथ ऑब्जेक्ट को यूज करके उसकी एक नई डेफिनेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंस की, तो प्रेसिडेंस का मतलब ये है हमारे पास में कि अगर हमने कोई भी एक्सप्रेशन मेंशन की है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑपरेटर जो है वो कैसे, वो कब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, ये कहलाता है उसका प्रेसिडेंस, ठीक है।
और अगर मैं एसोसिएटिविटी की बात करूं तो अगर हमने क्या किया है, एक से ज्यादा ऑपरेटर्स क्या किए हैं, यूज किए हैं, और उनका सबका प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी हम कह सकते हैं कि सेम है, ठीक है। तो उस केस में एग्जीक्यूशन कैसे होगा स्टेटमेंट्स का, एक्सप्रेशन का, ये कहलाता है एसोसिएटिविटी। अगर एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करूं तो प्रेसिडेंस के केस में तो इसका मीनिंग मैंने समझाया प्रायोरिटी, यानी कि कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन यहाँ पर मैंने लिखा है 7 + 3 × 2, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हायर प्रेसिडेंस या हायर प्रायोरिटी जो है वो किसकी है, इन टू की। तो अब सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, और उसके क्योंकि वो बाइनरी है तो बाइनरी की केस में डेफिनेटली हमें दो ऑपरेटर्स किए हैं, तो इनका मल्टीप्लीकेशन पहले परफॉर्म होगा। आफ्टर दैट जो भी रिजल्ट रहेगा वो 7 के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कहलाएगा प्रेसिडेंस, कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, जिसको पहले प्रेफरेंस मिला वही पहले एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद पूरी एक्सप्रेशन क्या होगी, इवेलुएट होगी, ठीक है। कुछ ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है बाकी रिमेनिंग ऑपरेटर से, और कुछ की प्रायोरिटी सेम भी होती है, ठीक है। अब देखें ये तो बात हो गई प्रेसिडेंस की, लेकिन मैं अगर एसोसिएटिविटी की बात करूं तो देखें इसका मीनिंग सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी एक्सप्रेशन है, लेट्स से कि यहाँ पर एक्सप्रेशन है हमारे पास में सिंपल 3/2, ठीक है, और इनटू मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। अब यहाँ पे डिवाइड और 5 की जो प्रायोरिटी है वो दोनों की सेम ही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अब इस केस में एसोसिएटिविटी की, तो अब इस केस में ये जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले इनटू सॉल्व हो या मल्टीप्लीकेशन सॉल्व हो, तो अब इस केस में क्या होगा, जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी तो कब से कहां से कैसे सॉल्व होगी, ये सॉल्व होगी लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले ये डिवाइड सॉल्व करेगी, देन ये क्या सॉल्व करेगी, मल्टीप्लीकेशन। तो ये कहलाती है एसोसिएटिविटी, ठीक है। ये दो टर्म्स मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ ली। तो वहां उस केस में कभी भी ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो चेंज नहीं होगा, और एसोसिएटिविटी भी चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अगर इनटू ऑपरेटर आपने यूज किया है तो अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में पहले प्लस क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, वहां पर भी अगर आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसका मीनिंग वही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ रूल्स थे। इसके अलावा अगर रिमेनिंग रूल्स को हम देखें तो देखें रिमेनिंग रूल्स में ये है कि ओवरलोडेड ऑपरेटर जो है, ठीक है, उनमें ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपको भेजना ही भेजना है। इसके अलावा ऑपरेटर्स जो है वो यहाँ पर जो 6 पॉइंट है वो ये है हमारे पास में, ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड फॉर बिल्ट इन टाइप्स ओनली, ठीक है। यहाँ पर जो हम ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो हमारे पास में प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं उन्हीं के साथ यूज करें, हमारे पास में एटलीस्ट एक ऑपरेंड जो है वो क्या होना चाहिए, यूजर डिफाइंड होना चाहिए। भाई यूजर डिफाइंड के साथ ही तो हम क्या कर सकते हैं, क्लास के सिंपली फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर जितने भी फंक्शंस हैं उनको कॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये बताया था कि अगर हम कोई भी ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं तो एट द एंड उसको कॉल करने के लिए हमें कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, ठीक है। अगर यही काम हम फ्रेंड फंक्शन के साथ में कर रहे थे तो हमने देखा था किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती उसको कॉल करने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी फ्रेंड फंक्शन जो है वो क्लास का पार्ट नहीं होता है, जिसको कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब लास्ट कुछ पॉइंट्स की बात करें तो सिंपली ये पॉइंट्स किसके रिगार्डिंग है कि हम कौन से ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था स्टार्टिंग जब हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया था उस टॉपिक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम कौन से ऑपरेटर के साथ नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। जो कि मैंने आपको एक बताया था कि हम सिंपली जो डॉट ऑपरेटर है या फिर हमने एम्परसेंड, ये कुछ ऑपरेटर डिस्कस किए थे जिसके साथ में हम ये ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके अलावा
मैंने डॉक्यूमेंट भी आपको सेंड किया था, उसमें भी आप उसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट इन टू पॉइंट्स की बात करें तो इन पॉइंट्स में ये है कि सिंपली अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर या फंक्शन कॉल ऑपरेटर, सिंपली ये भी हमारे पास में ओवरलोडिंग में इंक्लूडेड होता है, या हम इसकी भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, क्या इन मेन ऑपरेटर्स यही है हमारे पास में, तो इन ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो इन ऑपरेटर्स के साथ में हम इनको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्लास का पार्ट बनाकर ही ओवरलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको फ्रेंड फंक्शन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। अब मैंने ये स्टेटमेंट इसीलिए बोला क्योंकि हमने कुछ ऑपरेटर्स को फ्रेंड फंक्शन के साथ भी डिस्कस किया था और कुछ ऑपरेटर्स को हमने विदाउट फ्रेंड फंक्शन डिस्कस किया था, ठीक है। तो इन ऑपरेटर्स के केस में हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये ऑपरेटर जब ओवरलोड होंगे तो ये फ्रेंड फंक्शन के साथ में ओवरलोड नहीं हो सकते। जो ऑपरेटर्स फ्रेंड फंक्शन के साथ ओवरलोड हो सकते हैं उनके केस में यहाँ पर प्लस प्लस, माइनस माइनस यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, नेगेशन ऑपरेटर, और सिंपली जो हमने बाइनरी ऑपरेटर्स पढ़े थे अरिथमेटिक कैटेगरी के, उनको हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन ऑपरेटर्स को डेफिनेटली किसी भी केस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूल्स की, जो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का लास्ट पर्टिकुलर सेक्शन हमने कवर किया, ठीक है। और सिलेबस में ये पर्टिकुलर टर्म यानी कि रूल्स ऑफ फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग एज इट इज आपके मेंशन किया हुआ है, तो प्लीज इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इनमें कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज C++ के जो हम एंडिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। अगर C++ के कुछ एंडिंग टॉपिक्स की तरफ हम प्रोसीड करें तो उनमें से जो एंडिंग टॉपिक है वो हमारे पास में अभी स्टार्ट हम करने वाले हैं, डेटा कन्वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा टर्म आ रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि ये DBMS की बात हो रही है, हम यहाँ पे डेटाबेस का कोई मैनेजमेंट करना नहीं सीख रहे हैं। जैसे आप MS Access पढ़ रहे हैं वहां पे अलग अलग डेटाबेसिस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम वो काम यहाँ नहीं करने वाले हैं। यहाँ डेटा कन्वर्जन का मतलब ये है कि जो हमने वेरिएबल्स, जो हमारे पास में वैल्यूज हैं, ठीक है, उनके साथ में हम उनको कैसे कन्वर्ट करके और यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं डेटा कन्वर्जन का एक सिंपल आपको सिनोनियम तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट हमने यहाँ पर एक टर्म पढ़ी थी C++ में, टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन में हमने डिस्कस किया था सिंपली। देन अगर हम बात करें टाइप कन्वर्जन की, ठीक है, हमने टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग दोनों डिस्कस किए थे। उस केस में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि सिंपल जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे में क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास में टाइप कास्टिंग परफॉर्म होती है। और ऐसे ही हमने टाइप कास्टिंग में भी दो अलग अलग टाइप्स जो थे वो डिस्कस किए थे, ठीक है, कि हम किस तरीके से टाइप कास्टिंग को यूज कर सकते हैं। और अब अगर मैं C++ की बात करूं, ठीक है, हमने टाइप कास्टिंग में तो देखा था कि हम वेरिएबल्स पे काम कर रहे थे, लेकिन अगर हम यही काम क्या करना चाहते हैं, अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स पे करना चाहें, यानी कि अगर मैं एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में क्या कर रही हूँ, असाइन कर रही हूँ, ठीक है, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो कंसेप्ट पढ़ा था उस केस में हमने देखा था कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में असाइन कर रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या है, सेम है, ठीक है। वहां पर ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट अलग क्लास का है, दूसरा ऑब्जेक्ट अलग क्लास का है, वहां पर हमने सेम ऑब्जेक्ट्स में काम किया था, एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन किया था, ठीक है। यहाँ जो डेटा कन्वर्जन का कंसेप्ट है उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास में एक से ज्यादा क्लासेस हैं और एक क्लास के ऑब्जेक्ट को हम दूसरे क्लास में क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली असाइन करते हैं, तो कन्वर्जन कैसे होगा, कैसे एक क्लास के ऑब्जेक्ट से दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिफाइंड होगी, तो ये कंसेप्ट जो आता है वो कहलाता है डेटा कन्वर्जन, ठीक है। हम विद इन अ क्लास, मतलब अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट के साथ में भी काम कर सकते हैं, प्लस हम एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी प्री डिफाइंड डेटा टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे क्या होगा वो हम समझते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, छोटा सा टॉपिक है हमारे पास में,
इसमें हमारे पास में टोटल चार कन्वर्जन है जिसका एक एक एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपल जो कंसेप्ट समझाऊं, तो दो कन्वर्जन है जिन दो कैटेगरीज में भी चार मतलब दो अलग अलग क्या है कैटेगरीज है, ठीक है। मेन कैटेगरी है कि जब हम बेसिक डेटा टाइप को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं यूजर डिफाइंड में, ठीक है। और यहाँ हम यूजर डिफाइंड को कन्वर्ट कर रहे हैं यूजर डिफाइंड में, मतलब हम दो अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, या फिर हम एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में और एक कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। तो अब मैंने कैसे क्या बोला, ठीक है, इन कंसेप्ट में क्या डिस्कस करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कन्वर्जन, यानी कि जब हम कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे हैं सिंपली बेसिक डेटा टाइप टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में, ठीक है। तो अब उस केस में क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें, जब हम सिंपली, यानी कि मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं इसको समझाती हूँ। देखें कि जैसे मैंने क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट में अगर मैं कोई नॉर्मल वैल्यू असाइन कर दूं, ये यहाँ पर 100 क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो हमने अभी तक तो ऐसा कभी कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं कि मैं ऑब्जेक्ट में इक्वल करके कोई वैल्यू असाइन कर रही हूँ। मैंने तो आपको ये समझाया था कि एक ऑब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब हम एक ऑब्जेक्ट में कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो उस केस में कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। तो हमारे पास में जो फर्स्ट कंसेप्ट है, यानी कि ये जो करंट प्रोग्राम है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसमें यही है कि अगर हम बेसिक डेटा टाइप को, ठीक है, उसकी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं किसी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब कि यहाँ हम यूजर डिफाइंड के केस में डिस्कस कर रहे हैं क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, यानी कि क्लास के साथ में, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट किया है। यहाँ पर प्रोसीड करने से पहले कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सिंपली मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की है। इस क्लास में हमारे पास में दो डेटा मेंबर्स हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी, ठीक है, दो डेटा मेंबर जो कि इंटीजर टाइप के हैं। और सिंपली मैंने इस पर्टिकुलर क्लास में कंस्ट्रक्टर्स भी क्रिएट किए हैं। अगेन वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जिसको कि हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, और इसके अलावा मैंने सिंपली दो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन किया है, ठीक है। अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्लास की, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, शो फंक्शन भी क्रिएट किया है जो कि क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। लाइकवाइज अगर इन अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स की बात करें, तो वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, क्लास के दोनों डेटा मेंबर्स की जो वैल्यू है उसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू जो हम एज आर्ग्यूमेंट भेजने वाले हैं वही असाइन कर देगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमने जीरो आर्ग्यूमेंट वाला बनाया है, तो बाय डिफॉल्ट हम इन दोनों मेंबर्स में क्या असाइन करने वाले हैं, जीरो। और अगर टू आर्ग्यूमेंट्स वाला है, तो जो हम वैल्यू एज अ ऑब्जेक्ट को कॉल कर क्रिएट करते टाइम पास करेंगे, वही वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेन पर्टिकुलर फंक्शन की, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, नम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, और उसके डेटा मेंबर में, या मैं यूं कहूँ कि मैंने ब्रैकेट्स में एज अ 40 मतलब 10 एज अ नंबर न्यूमेरिक वैल्यू पास की है एज अ आर्ग्यूमेंट। अब जब भी हम ये पैरामीटर पास करेंगे, तो देखें इस केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पर देखें इस पर्टिकुलर ये कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 10, एक ही वैल्यू पास की है, तो एक ही वैल्यू असाइन हो जाएगी। किसमें असाइन होगी, इस P ऑब्जेक्ट के दोनों डेटा मेंबर्स में, यानी कि यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर भी 10, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिंपली यहाँ पर इस कंसेप्ट की, देखें अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ पी इक्वल टू 100, तो अगर सिंपल हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट नहीं करें क्लास में और सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं ये स्टेटमेंट लिखेंगे, तो यहाँ पर डेफिनेटली एरर हमें शो होगी। लेकिन
डेटा कन्वर्जन के थ्रू ये काम पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है वो डिस्कस कर रहे हैं. तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, p में 100 वैल्यू असाइन की है. तो जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वन आर्ग्यूमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा. और आपको ध्यान होगा हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास में नेमलेस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कंसेप्ट होता है. तो यहाँ इस केस में यही कंसेप्ट वापस से फुल यहाँ पे यूज में आने वाला है. यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पर 100 वैल्यू असाइन करने का ट्राई करूंगी किसी ऑब्जेक्ट में, तो पहले 100 वैल्यू के साथ में वन आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और नेमलेस ऑब्जेक्ट एक क्रिएट होगा. मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कि कोई नाम नहीं है, ठीक है. अब यहाँ पर वैल्यू हमने कितनी असाइन की है, 100. तो ये 100 वैल्यू ही जाकर किसमें असाइन हो जाएगी, यहाँ पर x में. तो अब x की वैल्यू 100 हो जाएगी. अब इस केस में इस पर्टिकुलर ब्लॉक के साथ में जो x की वैल्यू 100 है वो a में भी असाइन हो जाएगी और b में भी असाइन हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है. ये असाइनमेंट होने के बाद ये ब्लॉक रैम में क्रिएट हो चुका है, ठीक है. अब लेकिन इस ब्लॉक का कोई नाम नहीं है, जबकि हमने तो देखा था कि हर ब्लॉक का कोई ना कोई नाम होता है. तो ऐसे ब्लॉक जिनका कोई नाम नहीं होता है और रैम में क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो C++ में हम यहाँ पर इनको बोलते हैं नेमलेस ब्लॉक या नेमलेस ऑब्जेक्ट. इस केस में ये नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन कर दी 100, ठीक है. तो इंटरनली इस इम्प्लीमेंटेशन में ये हुआ है कि ये जो 100 वैल्यू है पहले एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई, और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने के बाद डेटा मेंबर में ये असाइन हो गया 100 100. अब ये जो 100 ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, ये जाके क्या होगी, इस पी ऑब्जेक्ट के ए और बी में क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी. यानी कि पहले पी के ए और बी मेंबर्स की वैल्यू 10 और 10 थी, लेकिन क्योंकि हमने 100 वैल्यू असाइन की तो पहले ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ. कौन से ऑब्जेक्ट में? नेमलेस ऑब्जेक्ट में, ठीक है. और कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर सिंपली क्या हुआ है, अब इस पी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में भी 100 100 वैल्यू एज अ मतलब एज अ वैल्यू यहाँ पर असाइन हो गया है, ठीक है. और जब हम इसको शो करवाएंगे तो यहाँ पर ए और बी दोनों की वैल्यू हमें 100 डिस्प्ले हो जाएगी. तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम होगा, ठीक है. तो अभी हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली जो हमारे पास में बिल्ट इन डेटा टाइप है उसको असाइन कर रहे हैं किसमें, एक प्री डिफाइंड सॉरी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में, ठीक है. तो ये पहला एग्जाम्पल है डेटा कन्वर्जन का. यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है